अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ कि आज का दिन हम सब का अच्छा गुजरे। मैं अभी बाहर जा रही हूँ ज़रा सौदा वगैरह लेने के लिए, सुबह सुबह ही मैंने कहा ये काम मैं सवेरे ही ख़त्म कर लूँ। और कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो ड्रॉ हो गया, मुबारक हो सबको उस बात की, सबकी इज्जत रह गई भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने अपने टीवी नहीं तोड़े और ना ही कुछ और हंगामे हुए हैं कि भाई कौन जीत गया कौन हार गया। ये एक गेम है बस, और इसको इसी तरीके से लेना चाहिए। पहुंच रही हूँ मार्केट। असल में जो घर के पास मार्केट है वहाँ से हर चीज़ जो है वो मेरे हिसाब से मिलती नहीं है। कोई चीज़ किसी मार्केट से आपको मिलेगी और कुछ किसी के लिए आपको किसी और जगह पर जाना पड़ेगा, तो बस ऐसा ही है। हाँ जी, तो ये है जी वो इकलौती चीज़ जो मुझे सिर्फ इसी मार्केट से मिलनी थी, ये है स्प्राइट विद लेमन। तो ये मुझे सिर्फ इसी मार्केट से मिलती है, मैं सिर्फ इसको लेने के लिए ना इस मार्केट में मुझे आना पड़ता है। बाकी फिर मैंने कहा चलो बाकी का सौदा भी यहीं से ले लेते हैं। पहले मैंने सोचा दूसरा अपने घर के पास जो मार्केट है वहाँ जाऊँगी, लेकिन अब मेरे ख्याल में सीधा घर चलते हैं, बाकी फिर बाद में देखी जाएगी। जी ये मैं अभी मार्केट से लेकर आई थी, ये है दालचीनी की पैटीज़ आप कह लें, और ये क्रोसान है। ये संडे का नाश्ता है हमारा, मैंने कहा अभी इसको ओवन में रख दूँ और फिर ये नाश्ता कॉफ़ी के साथ फिर करते हैं। हमारा हो गया नाश्ता तैयार, और ये है जी अरशद की एस्प्रेसो और मेरी कॉफ़ी, और अभी हम करेंगे ये नाश्ता। मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करना चाह रही थी कि जिन बच्चों के चेहरों के ऊपर जो दाने निकल रहे हैं और माएँ जो हैं वो बड़ी परेशान होती हैं, क्योंकि जब बच्चों के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और उनके चेहरे पर दाने हो तो माएँ जो होती हैं वो बच्चों से ज़्यादा परेशान होती हैं। मैं भी परेशान थी जब ध्यान के चेहरे के ऊपर दाने निकलने शुरू हुए, शुरू में तो मुझे इतनी समझ नहीं आई, तो फिर बाद में बहरहाल ये सैरवी का हमें मिला फेस वॉश, ये इस्तेमाल करना शुरू किया। और अब फिर मैंने रियान के लिए भी, क्योंकि रियान अब माशाल्लाह 13 का हो गया है तो उसके चेहरे के ऊपर भी दाने निकल रहे हैं, तो अब मैं उसके लिए भी यही जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करवानी उसको मैंने शुरू की हैं, और उसको मैं 3 दफ़ा दिन में करवा रही हूँ, और जिससे उसके चेहरे के जो स्टार्ट हुए थे बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि थोड़ा सारा उनमें वो बेहतरी आनी शुरू हुई है। तो मैंने कहा ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए जो है फेस वॉश दानों की वजह से कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ये वाले जो हैं सैरावी के फेस वॉश ये आप इस्तेमाल करवाएं बच्चों को, दिन में 3 दफ़ा बच्चे इस्तेमाल करें तो उनको काफ़ी वो बेहतरी लगेगी। तो फिर ये मैंने साथ क्रीम भी रखी होती है कि जैसे ही फेस वॉश कर लें तो साथ में ये जो है वो क्रीम भी बच्चे जो हैं इस्तेमाल करें। मैंने दोनों ऊपर नीचे दोनों के बाथरूम में रख दी हैं ताकि बच्चे लाजमी इनको इनके साथ अपना फेस वॉश। ये लें जी, यहाँ पर बन रहे हैं नान, और मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा ये दूध और दही का थोड़ा मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था तो इसके ऊपर लगाऊंगी। अब मैंने असल में ना एक हाथ से पकड़ा हुआ कैमरा और दूसरे हाथ से मैं लगा रही हूँ, मेरे पास कैमरे का स्टैंड नहीं है तो मैं इसी के साथ ही ना वो लगा रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़े से ये तिल है, और साथ में मैं इसके ऊपर ये डॉट्स लगा दूंगी कांटे के साथ, क्योंकि जब इसको ओवन में नीचे रखूंगी तो ये फूलेगा, फूल के फिर वो इस तरीके से ख़राब नहीं होगा। ये नीचे एक बन रहा है ऑलरेडी, इसकी साइड जो है वो जी। ये हमारे नान तैयार हो गए हैं। हम औरतें जो यूरोप में लोग रहते हैं वो वहाँ से, ये तो मुमकिन नहीं कि कहीं से बाहर से आप नान पकड़ के ले आएँ, तो हमने ना घर में ही अपने को जुगाड़ लगा लिए हुए हैं और इस तरीके से फिर नान बना लिए जाते हैं। तो ये है जी हमारे, यूरोप में तकरीबन सारी औरतें जो घर में नान वगैरह बनाती हैं इसी तरीके से ये तंदूर रखे हुए हैं और इस तरीके से फिर नान बन जाते हैं। ये लें जी, ये हमारा रात का डिनर तैयार हो गया है, और ये नान हैं, ये चावल साथ बनाए हैं मैंने, और ये चिकन का मैंने सालन बनाया है। और इसकी रेसिपी मैंने शेयर इसलिए नहीं की, मैंने सोचा कि पाकिस्तान के लोगों को चिकन की रेसिपी बताना ऐसा ही है कि जैसे जापान वालों को बताया जाए कि ट्रैक्टर के 4 पहिए होते हैं, 2 आगे होते हैं 2 पीछे, तो ये तो चिकन की रेसिपी हर एक को ही पता है। चलें जी, मेरा तो आज का ये काम ख़त्म हो गया और मेरा किचन हो गया साफ़,
और अभी मैं ये बर्तन धोने वाली मशीन चला के तो अपना आज का काम ख़त्म करूँगी। और आप भी अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह फिर कल आपसे बात होती है। और खुदा हाफिज़।